कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। कल्चर क्वांटम के इस अध्याय में अभिवादन स्वीकार करिए नीरज राव का। आज इस अध्याय में हम बात करेंगे 56 भोग, जो कि भारत के बहुत सारे मंदिरों में एक प्रथा समान है। गोकुल में प्रथा के अनुसार हर वर्ष एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इस यज्ञ का आयोजन भगवान इंद्र के लिए किया जाता था, ताकि भगवान इंद्र की कृपा दृष्टि बनी रहे और लोगों का धन धान्य बना रहे। इस यज्ञ में ना ही बाकी सभी विधि विधान किए जाते थे, उसके अलावा बलि भी चढ़ाई जाती थी। ऐसे ही एक वर्ष जब आयोजन की तैयारियां हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे आग्रह किया इस वर्ष वो इस यज्ञ का आयोजन छोड़कर और बलि भी ना चढ़ाएं। उन्होंने विस्तृत में समझाया कैसे गोवर्धन पर्वत से गोकुल के लोगों का जीवन यापन सुचारू रूप से चलता है, कैसे गोवर्धन पर्वत उनकी दिनचर्या का भाग है। उन्होंने सभी को समझाया कि यज्ञ के बजाय लोगों को गोवर्धन पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। शायद यहीं से प्रारंभ होती है गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा की कहानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पर बात यहीं नहीं रुकती है। इस बात से भगवान इंद्र उधर बहुत खिन्न बैठे हैं और भगवान इंद्र का गुस्सा गोकुल वासियों पर फूट पड़ता है। उन्होंने बहुत ही तीव्र मूसलाधार बारिश की शुरुआत कर दी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बारिश 7 दिन 7 रात लगातार होती रही। इन दिनों गोकुल वासियों को इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे गोकुल वासियों को आश्रय दिया। ये 7 दिन ये 7 रात भगवान ने कुछ नहीं खाया गोकुल वासियों के रक्षा के लिए। 8वें दिन आखिरकार इंद्रदेव भी हार मान गए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और बारिश को रोक दिया। परंतु इस दौरान भगवान तो भूखे रहे। लोगों ने ये कहा उस समय कि भगवान के लिए इन 7 दिनों के पकवान बनेंगे। ऐसी प्रथा थी कि भभगवान को एक दिन में 8 पहर का भोजन दिया जाता था। अब उसी अनुसार, उसी प्रथा के अनुसार 7 × 8 = 56 पकवान तैयार किए गए भगवान के लिए। और यही वो शुरुआत है 56 भोग की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसी ही एक प्रथा का अनुसरण जगन्नाथ मंदिर पुरी में किया जाता है,
जो कि चार धाम में से एक है। आप सभी इस बात से अवगत होंगे, चार धाम भगवान विष्णु के धाम होते हैं। द्वारका में वह राजा हैं, बद्रीनाथ उनका शयन कक्ष है और रामेश्वरम उनका पूजा घर है, जहां वह अपने इष्ट देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं। और अंततः जगन्नाथपुरी उनका भोजनालय, जो कि 56 भोग के लिए जाना जाता है। जगन्नाथपुरी के 56 भोग को महाप्रसाद का भी नाम दिया गया है। जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग को एक अनोखे ही अंदाज में पकाया जाता है। ये सभी पकवान मिट्टी के बर्तन में बनते हैं और हर रोज ये मिट्टी के बर्तन बदल दिए जाते हैं। एक मिट्टी का बर्तन कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा इन मिट्टी के बर्तनों को एक तरीके से रखा जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर इसे आग पर चढ़ाया जाता है। और ये आश्चर्य की बात है, सबसे शीर्ष पे रखे हुए बर्तन का पकवान सबसे पहले तैयार होता है और सबसे नीचे के बर्तन का पकवान सबसे अंतिम में तैयार होता है। आज तक ये किसी को समझ में नहीं आया और साइंस भी इसे एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। साइंस के पास इसकी व्याख्या नहीं है, शायद ये भगवान की कृपा ही है। 56 भोग महाप्रसाद को बड़े ही भक्ति भाव से बनाया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है, 56 भोग बनाते समय किसी भी विदेशी खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि आलू, टमाटर, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, ऐसे कोई भी पदार्थ इस्तेमाल नहीं होते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है, प्रसाद भगवान को चढ़ाने के पश्चात ही उसमें मसाले मिलाए जाते हैं। उसके पहले किसी भी मसाले का मिश्रण पकवान में नहीं किया जाता है। पकवानों को भगवान के कक्ष में ले जाते समय बहुत ही सावधानी बरती जाती है। भोजन को किसी से स्पर्श न होने दिया जाए, इस बात का संपूर्ण ख्याल रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भोजन अगर किसी के संपर्क में आता है तो भोजन फिर ईश्वर योग्य नहीं रहता। इसको बड़े ही विधि विधान के साथ ले जाया जाता है और एक बार जब भगवान का भोग लगता है तो पूरा वातावरण ही सुगंधमय हो जाता है। यह 56 भोग एक निश्चित क्रम में भगवान के समकक्ष व्यवस्थित किया जाता है। और जैसा आप सभी अवगत होंगे, भगवान श्री कृष्ण को दूध के बने पदार्थों से बड़ा ही लगाव था, इसलिए उनके सबसे समीप दूध के बने पदार्थ रखे जाते हैं। 56 भोग महाप्रसाद को पाने के लिए रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। कभी कभी तो धार्मिक अनुष्ठानों के दिन उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। 56 भोग एक स्वर्गीय अनुभव है जो कि धरती पर प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा हो आप पर और आपको भी 56 भोग प्राप्त। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते इसी के साथ समाप्त करते हैं आज 56 भोग की कहानी। अगले अध्याय के लिए जुड़े रहिए, हम फिर कोई नई कहानी लेकर आप तक आएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल कल्चर क्वांटम एंड प्लीज लेट मी नो दैट इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी टॉपिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल कल्चर क्वांटम। थैंक यू।